पप्पू पप्पू बोल के साइट किए थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया तुम्हारे फूफा है तो सर में गाद के लेके जाओ। पूरा देश राहुल जी का अभिनंदन करने को आतुर है। पूरा देश की समुदाय के बीच में दंगा हो रहा है। आप कहाँ थे? आपका सुशासन कहाँ था? आज हरियाणा में जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम करके हिंसा कराया जा रहा है, आप चुप क्यों हैं? ये सारी बातें संसद में शेर की भांति राहुल गांधी दहाड़ेगा, इसलिए राहुल जी से परेशान है। हजार साल मुगल हूर पसार सारे लोगों का शासन रहा, अड्डा चाहे पुर्तगाली आए अंग्रेज आए, तब तो इनका हिंदू खतरे में नहीं था। 9 साल से ये आए हैं संघी लोग, तब से हिंदू खतरे में। सौ करोड़ जो नक्शा भी है आप उसमें देखो, अखंड भारत का नक्शा है, और वो अखंड भारत बनाने चले हो और देश के 22 करोड़ मुस्लिम को भगा दोगे? अरे गजब कर रहे हो, देश को बांट दोगे? ये विडंबना की बात है, ये दुमोहित लोगों की बात है, दोगले लोगों की बात है। इस कार्यालय में जश्न का माहौल है, आने वाला वक्त ये बताएगा कि सदन में किस तरह का माहौल रहने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की वापसी हो गई है सदन में? राहुल जी ने संसद में माननीय मोदी जी को एक फोटो दिखाया था चार्टर्ड प्लेन का, जिसमें मोदी जी अडानी अंबानी के साथ चार्टर्ड प्लेन में बैठे थे। तो माननीय राहुल जी ने पूछा था कि प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि अडानी और अंबानी से माननीय प्रधानमंत्री जी का रिश्ता क्या है। तो मूल आधार यही था, राहुल जी को सदस्यता से 2 घंटे के अंदर वंचित कर दिया गया। ये देश सत्य पर आधारित है, सत्य सनातन धर्म हम कहते हैं कि ये देश सत्य पर आधारित है, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य में जयते, आखिरी में विजय सत्य की होगी, और राहुल जी सत्य के साथ है, देश के साथ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये पप्पू पप्पू बोल के साइट किए थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया तुम्हारे फूफा है, इनको सर में गाद के लेके जाओ। पूरा देश राहुल जी का अभिनंदन करने को आतुर है, पूरा देश राहुल जी के साथ। पर अब जो सदन में जब राहुल जी मौजूद होंगे तो क्या लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाब भी देने वाले हैं मणिपुर पर। राहुल जी जब सदन में मौजूद होंगे तो पूछा जाएगा कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, मैती और कुकी समुदाय के बीच में दंगा हो रहा है, आप कहाँ थे? आपका सुशासन कहाँ था? आज हरियाणा में जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम करके हिंसा कराया जा रहा है, आप चुप क्यों है? पूछा जाएगा कि महंगाई इस देश में कैसे बढ़ रही है, पूछा जाएगा कि रेल के अव्यवस्था क्यों है। ये सारी बातें संसद में शेर की भांति राहुल गांधी दहाड़ेगा, इसलिए राहुल जी से परेशान है, ये विचलित है। और एक चीज याद रख लीजिए, अपमान उपेक्षा आरोप और उसके लिए षड्यंत्र, उसके बाद स्वीकार्यता होती है और जीत होता है। राहुल गांधी के साथ वो सारी चीज़ें थी, अपमान किया गया, उपेक्षित किया गया, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, अब सत्य के साथ वो है, और पूरा देश राहुल जी के में एक नया आशाओं का केंद्र राहुल गांधी है। आपको लगता है कि मेवात में अभी जो हाल ही में हिंसा हुई है उसमें उन सवालों को लेकर राहुल गांधी सदन में बोलते हुए नजर आएंगे? निश्चित रूप से बोलते आएंगे। देखिए ये आरएसएस से ही जन्मा भाजपा है, ये आरएसएस वाले अखंड भारत की बात करते हैं कि हमारा लक्ष्य अखंड भारत बनाने का है, जिस भारत में अफगानिस्तान होगा, श्रीलंका होगा, बर्मा होगा, नेपाल होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश होगा, वो अखंड भारत निर्माण करना हमारा सपना है। आरएसएस का जो नक्शा भी है आप उसमें देखो, अखंड भारत का नक्शा है, और वो अखंड भारत बनाने चले हो और देश के 22 करोड़ मुस्लिम को भगा दोगे? अरे गजब कर रहे हो, देश को बांट दोगे? ये विडंबना की बात है, ये दुमोहित लोगों की बात है, दोगले लोगों की बात है, ये दोमोही बात। पर मुसलमानों को कौन भगा रहा है? जो हिंसावादी हैं, हिंसा पर उतार हुई, उन पर तो कार्रवाई होगी ना? निश्चित होगी, लेकिन आप देखिए कि बजरंग दल कैसे वहाँ उत्पात मचा रहा है, जो हिंसा कर रहे हैं। किसी को ये बयान देने की स्वतंत्रता किसने दे दिया यहाँ कि मैं तुम्हारा जिज्जा हूँ, मैं आऊँगा, मेरा स्वागत नहीं करोगे? ये उकसाने का काम क्यों किया जा रहा है? कौन लड़ना चाहता है? कोई नहीं लड़ना चाहता, सब इस देश में शांतिप्रिय रूप से रहना चाहते हैं। ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, मंदिर मस्जिद अपने जगह पर है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये उसका भी श्रेय लेते हैं, हम बना रहे हैं। अरे कोर्ट चलता है एविडेंस प्रूफ सबूत के आधार पर, आज उसके पक्ष में थे, राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया, किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध तो नहीं किया, जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय रहा मुसलमानों ने माना है। तो आप ये बताने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम करके देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है? 1000 साल मुगल हूर पसार सारे लोगों का शासन रहा, अड्डा चाहे पुर्तगाली आए अंग्रेज आए,
तब तो इनका हिंदू खतरे में नहीं था। ये 9 साल से ये आए हैं संघी लोग, तब से हिंदू खतरे में है। 100 करोड़ से उस पार है हिंदू खतरे में। तो खतरे में नहीं है तो कैसे किसी यात्रा पर पथराव हो जाता है भाई साहब? यात्रा पर पथराव की आप जांच कर लो, ये पथराव भी ये स्वयं करवाते हैं कि अपने आप पथराव होता है। और जो यात्रा निकल रही है, हम सब सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, अंतिम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म में हिंसा का धर्म है ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, अहिंसा परम धर्म है। और धर्म के लिए हिंसा अच्छी बात ये कहा गया है, तब जब आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है और धर्म को बचाना है, धर्म का अधिकार उससे है, कर्तव्यों से है। हमको मानवता के हम पहले पोषक हैं, जो हिंदू है पहले मानवता का पुजारी है, वो मानव मानव को एक समान समझता है, पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना लेकर चलता है। तो इस तरह की हिंसाओं से आप भाजपा को क्यों घेरते हैं, जैसे भाजपा करा रही है सब? भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दिखाते हैं कि ये जो जो हिंसा कर रहे हैं उनके साथ कांग्रेस है और देश जोड़ने वाले के साथ हम हैं। अरे भैया, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा संगठन है, तुम्हारी सेना है, तुम्हारा आर्मी है, तुम्हारे पुलिस है, तुम्हारे पास सारे सूचना गुप्तचर तंत्र है। तुम्हारे पास ये सूचना तंत्र नहीं था कि जुलूस निकलने वाला है और इसमें दंगा हो सकता है, और सूचना तंत्र था तो तुमने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? और यदि आपको जानकारी नहीं थी तो आपका खुफना जो गुप्तचर संस्थाएँ हैं वो पूरी व्यवस्था आपका फेल है, फेलवर है। आप कार्रवाई करें तो दिक्कत, आप कार्रवाई कर रहे हैं तो कि मुस्लिमों के घर सिर्फ तोड़े जा रहे हैं, ये आरोप लगा। अरे भैया, कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो चार व्यक्ति गलत हो सकते हैं, वो जाति या धर्म के लोग गलत नहीं हो सकते। और ये देश सबका है, और इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है, सबका मेहनत पसीना शामिल है, सारे लोगों के लहू इस देश में लगे हैं, इस देश में सारे। ये एक दोगला एक पाखंडवाद चल रहा है कि मेरे साथ यदि हमारे साथ मुसलमान हैं तो वो राष्ट्रवादी हैं, और यदि हमारे साथ मुस्लिम नहीं हैं तो वो देशद्रोही हैं। ये दोगला पंथी वाले लोगों से हमारी लड़ाई है, दोहरी नीति वालों से, दोगली नीति जो लेकर चलते हैं उन लोगों से लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और हमारी लड़ाई कभी भी हिंसक नहीं होती। राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा का कतई स्थान नहीं है। विचारधारा वाले अलग अलग हो सकता है। अच्छा, वो